देवास जिले के बागली तहसील के चापड़ा के सेंट जॉन्स हायर सेकेंडरी स्कूल में लगातार कई बार पालक स्कूल फीस को लेकर हंगामा कर चुके हैं। लगातार स्कूल प्रशासन पालकों पर फीस के लिए अधिक दबाव बना रहे हैं, तो वहीं पालक भी अधिक फीस भरने को राजी नहीं है। नौबत इस बात पर पहुंच चुकी है कि अगर स्कूल प्रशासन फीस माफ़ नहीं करता तो सभी पालक अपने बच्चों की टीसी निकालने के लिए राजी हैं, क्योंकि सभी पालकों का कहना है कि हम मोटी मोटी फीस भरकर इतने वर्षों से अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए स्कूल प्रशासन उन्हें लगातार फीस भरने पर दबाव डाल रहा है। पालकों का कहना है कि हम केवल 25% फीस भर पाएंगे, अन्यथा अगर स्कूल प्रशासन नहीं माना तो हमें अपने बच्चों की टीसी निकाल कर किसी अन्य स्कूल में जमा करा देंगे। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। इस संबंध में कलेक्टर या SDM या कोई अन्य अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी से चर्चा की क्या? जी, मेरी अभी जस्ट BLO साहब से, सिंह सर से बात हुई थी, उनसे मैंने ये सवाल किया था, सर यहाँ पे जो ऑफलाइन और ऑनलाइन की पढ़ाई है उसका क्या फीस चार्ज है? तो सर ने मुझे स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि ऑफलाइन पढ़ाई का कोई चार्ज नहीं है, पहले से लेकर आठवीं तक। आठवीं के बाद जो भी ऑनलाइन अगर पढ़ाई की तो उसमें भी कुछ सरकार की तरफ से जो छूट है वो पॉसिबल है कि वो छूट देंगे, पर यहाँ यहाँ का मैनेजमेंट जो स्कूल का है, फादर का ये कहना है कि बोले नहीं, हम लोगों को ऑफलाइन के बाद भी पढ़ाई की फ़ीस लेना है, और ये रूल्स सर ने बताया कि ऑफलाइन की कोई फ़ीस नहीं है। और हम यहाँ अभी बच्चों के रिजल्ट के लिए उन्होंने हमको मैसेज करके बुलाया था, हम लोग यहाँ पिछले 2 या 2.5 घंटे से खड़े हुए हैं, और सर से हमने बोला सर हम अभी फ़ीस भरने में सक्षम नहीं है, आप हमें बच्चों के रिजल्ट बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं, तो बोले अगर आपने फ़ीस जमा नहीं की तो हम आपको रिजल्ट नहीं बताएंगे। हमने उनको ये भी बोला सर हम इसके लिए हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, SDM साहब के पास जाएंगे, BLO साहब, बोले आपको जहाँ जाना चले जाएँ, आप छूट है, बोले हमारी तरफ से आपको पूरी छूट है, वो हमारी कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने यहाँ पे उनका एक अलग ही कानून बना रखा है, वो कानून एक काला कानून कह सकते हैं, ये इस संस्था की ये पॉलिसी है। स्कूल में सब पालक जन आए हैं, तो क्या मामला और किन समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए? सर हमारी प्रिंसिपल मैम से पिछले 1 महीने पहले बातचीत हुई थी, और फादर से भी हमारी चर्चा हुई थी, फीस के सिलसिले में हम लोगों ने ये सवाल रखा था, सभी पेरेंट्स हम लोग आए थे, 8 से करीब 50-60 पेरेंट्स, 100 पेरेंट्स के आसपास हम सब आए थे, पालकगण थे। हमने ये बोला था सर आपने जो ये कोरोना काल के चलते हम लोग सब लोग एफर्ट नहीं है कि इतना पैसा हम भर सकें फीस के, तो आप इसमें क्या डायरेक्शन कर रहे हैं? तो इन्होंने हमको 20% का बोला था, जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं हुए थे। इन्होंने फिर हमको बोला था कि आप हमको जनवरी का टाइम दीजिए, हम जनवरी में जो जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे, बाकी पूरा जनवरी होने के बाद भी अभी तक इन्होंने हमको कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। तो हम आज वापस इसलिए आए थे कि इन्होंने हमको मैसेज किया था कि भाई आपके बच्चों की फ़ीस जमा करें और आपके बच्चों के रिज़ल्ट यहाँ से लेके जाएं, या रिज़ल्ट देखें आप एग्ज़ाम के। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, हम लोगों ने इनसे बोला कि सर आपने हमारी वो जो मांग की थी हमने पहले, इससे पहले उसका क्या हुआ? इन्होंने हमें कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज यहाँ 2 घंटे से सभी लोग हैं, यहाँ 50 से 100 लोग हैं, पर प्रिंसिपल मैम उनके रूम से बाहर नहीं आई, उन्होंने हमसे कोई चर्चा नहीं की। फादर ज़रूर आए, फादर ने भी हमको कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। फादर से हमारा ये कहना था कि हमको फ़ीस भरने के रूप में आप क्या हमें प्रदान कर रहे हैं या क्या हमको छूट दे रहे हैं, पर उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसा कोई ऊपर से आदेश नहीं है। हम ये चाह रहे हैं फादर से कि भाई हम लोग हमारी तरफ से आपको 25% फीस जमा करवा देंगे, इसके अलावा हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम लोग फीस जमा करवा पाएँ, पर फादर ने हमें कोई जवाब नहीं दिया उस तरीके से। तो आज हम लोग यहाँ पर सर से स्ट्रिक्टली या फिर इस तरीके से बात करके करने के लिए आए हैं, या तो हमें वो यहाँ से शासन की ओर से उनसे जो भी आए उनके पास, या फिर उनकी ऊपर समिति की से जो भी छूट आए, हमें क्या छूट प्रदान कर रहे हैं और वो क्या छूट दे रहे हैं। अदरवाइज़ हम लोगों ने यह डिसीजन ले लिया है कि हम सब लोग एक साथ होकर यहाँ से अपनी अपनी TC निकलवा लेंगे बच्चों की। मामला देखो बिल्कुल साफ है, पहला एक देखो उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है और सरकारी आदेश भी आ चुके हैं, 22 दिसंबर का आदेश है कि जहाँ पर फीस के बारे में है, वो ट्यूशन फीस का है, तो अधिकांश जो फीस रहती है वो ट्यूशन ही रहती है। यदि हम दूसरी फीसों को लें, जैसे लाइब्रेरी फीस है, स्पोर्ट्स फीस है, कंप्यूटर फीस है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं, ये फीसें ज़्यादा नहीं रहती हैं। मात्र यदि हम उनको गिने भी साल भर में तो कहीं 100 रुपया है, कहीं 200 रुपया है, और फीस के रहती है क्योंकि वो तो आप शिक्षकों को और अन्य कर्मचारियों को जो पेमेंट दे रहे हैं वो आप कौन सा पे स्केल फॉलो कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर 6 पे फॉलो कर रहे हैं, तो उसके मान से सैलरी भी थोड़ी ऊँची है। पालकों का कहना है कि ऑफलाइन का कोई इस बार चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी ऑफलाइन का भी चार्ज जोड़ा जा रहा है। शासन ऐसा कुछ बोला नहीं है कि भाई ऑफलाइन का नहीं है, प्राइमरी तक तो वीडियो का उन्होंने बोला है, और वीडियो भी ज़्यादा बड़े नहीं बना है, और जहाँ तक ऑनलाइन क्लास है शासन के बिल्कुल निर्देश है। आपकी ओर से क्या आश्वासन दिया गया है पालकों को?
पालकों को यह है कि मैं स्वयं फीस का निर्णय तो नहीं ले सकता हूँ, मेरे ऊपर हमारे संस्था के अधिकारी हैं। और जब आए थे घर बार आए थे तो पालकों ने जो एप्लीकेशन दी थी, अब इनका कहना है कि भैया केवल 20% ही लो, तो 20% से तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि 20% तो हमने रिड्यूस किया है, और यदि कुछ और है तो वो संस्था के प्रधान या कमेटी जो है हमारी एजुकेशन कमेटी है उससे बात करना पड़ेगा, क्योंकि संस्था के अन्य स्कूल भी हैं तो स्कूलों पर भी निर्भर करेगा। हो सकता है यदि पालक दें तो भविष्य में थोड़ी बहुत कम हो सकती है, गुंजाइश तो है ऐसे नहीं कि नहीं है करके, लेकिन हम भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी समझते हैं हर एक का दर्द, हमें भी हमारे कर्मचारियों का भी दर्द समझना है ना, क्योंकि जो पहले पेमेंट मिल रही थी अब एकदम से कम है बेचारे, वो भी तो है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।